Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and aaj is video mein hum discuss karenge the syllabus for class 11th, rationalized syllabus jo ki CBSE ne recently introduce kiya hai and ye syllabus term 1 and term 2 mein split kar diya hai CBSE ne. So wahi aaj hum is video mein discuss karenge. So now talking about class 11th sociology, तो इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट बुक दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, मैं आपको बुक दिखा दूं, द बुक इज इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, दिस बुक. इसमें से आपको ओनली यहां पर 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, राइट. ये आपका यहां पर जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा फॉर टर्म 1, जो कि एग्जाम होंगे नवंबर एंड दिसंबर में, एमसीक्यू बेस्ड फॉर 90 मिनट्स, राइट. 90 मिनट्स के लिए आपको एमसीक्यू आएंगे, आपको करना होगा. एंड इसमें जो चैप्टर्स है आपके वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, 10 मार्क्स का आएगा. नेक्स्ट विल बी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, अगेन 10 मार्क्स का आएगा. द नेक्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि अगेन 10 मार्क्स का होगा. एंड इसके बाद जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो होगा कल्चर एंड सोशलाइजेशन फॉर अगेन 10 मार्क्स. तो ये 4 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ईच फॉर 10 मार्क्स, टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स. तो आपको इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि 40 मार्क्स का पेपर आएगा जो होगा आपका टर्म 1 में, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा ये और 90 मिनट्स का होगा मेजरली इन नवंबर और दिसंबर दिस ईयर, राइट. ओके, नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड बुक दैट इज, सेकेंड बुक की मैं आपको फोटो यहां पर ये बुक दिखा दूं, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये रहेगी आपकी सेकेंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. अब आपको बुक 2 में से आएंगे टोटल 3 चैप्टर्स, राइट. पहला चैप्टर होगा आपका सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ये आएगा 14 मार्क्स के लिए. देन सेकेंड विल बी इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट्स, 14 मार्क्स के लिए आएगा ये भी. एंड नेक्स्ट विल बी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स और ये आएगा आपका 12 मार्क्स के लिए, राइट. सो विच मेक्स अगेन 40 मार्क्स, 3 चैप्टर्स होंगे, 40 मार्क्स टोटल. एंड ये आपको आएगा सेकेंड टर्म में, राइट. ये आपको सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर करना है, मेजरली एग्जाम होगा आपका नेक्स्ट ईयर इन 2022. आप लगा सकते हैं कि ये हो सकता है मार्च, अप्रैल या मई के बीच में. एंड ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, राइट. सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो टर्म 1 का होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट. सो दिस इज द सिलेबस एंड ये दोनों बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट बुक फॉर टर्म 1, सेकेंड बुक फॉर टर्म 2. अब हमारे जो यहाँ पर इसके लेक्चर्स है, इसके लेक्चर्स आपको रोज लाइव आएंगे, इन फ्यू डेज इट विल बी स्टार्टिंग एंड यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स. एंड प्रॉपरली आपको हर एक चैप्टर करवाया जाएगा, एमसीक्यूज की तैयारी करवाई जाएगी. विल ऑल्सो लॉन्च आवर टेस्ट सीरीज ऑन एमसीक्यूज, ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो एमसीक्यूज की, राइट. एंड इस तरीके से हम करेंगे हर एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से. सो टिल द टाइम इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन द सिलेबस, एंड यस, जो आपका ये 40 मार्क्स फॉर टर्म 1 एंड 40 मार्क्स फॉर टर्म 2 हो गया, ये 80 हो गया टोटल. अब जो 20 मार्क्स बचते हैं असेसमेंट के लिए, वो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. सो आपको वहां से वो समझ आ जाएगा, राइट. तो ये सब है. एंड अपार्ट दिस, कोई भी कंफ्यूजन रहेगी, यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ट्विटर और टेलीग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. फॉर द टाइम कीप वॉचिंग द वीडियोज, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पैशन स्टडीज. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.